बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा हेवा है खबर छत्तीसा के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीत के बाद पहली बार मरार पटेल समाज कति ले आयोजित शाकंभरी महोत्सव में शिरकत करी। दिखाओ हमारी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार मराल पटेल समाज के द्वारा आयोजित शाकंभरी महोत्सव में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल शिरकत करीस। ओहा मराल पटेल समाज के एकता ल महत्वपूर्ण बताईस और ए सामाजिक एकता ले बड़े चुनाव जीत और हार के निर्णायक भूमिका अदा करते। भूपेश बघेल कहिस के ए सामाजिक आयोजन में राजनीतिक चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार ऊपर निशाना साधत हुए कहिस कि किसान और मजदूर के शोषण होए के आरोप लगाईस। मुख्यमंत्री कहिस के अब घुरुआ नरवा बारी के साथ गाय के चारागाह बनाए के संकल्प पूरा करना है। ताकि सबको हरी सब्जी बारीक सब्जी सबको मिल सके और इनके भी जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनसे उनको तकलीफ है। सर 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 गौठान के लिए व्यवस्था किया जा रहा है 5 एकड़, और इस देखा जाए तो गौचर जमीन की खुदाई कर दिया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, हर जगह खुदाई कर दिया जा रहा है क्या परमिशन के। देखिए गौठान तो हमको बढ़िया सुंदर बनाना है ताकि उनको छाया भी मिले मवेशी को, वहाँ पानी की भी व्यवस्था होना चाहिए, चारा की भी व्यवस्था होना चाहिए और उसका घेरा भी होना चाहिए ताकि हम किसान जो है वो फसल सुरक्षित रूप से ले सके। पार्टी का काम है और पार्टी जहाँ आदेश देगी वहाँ जाना पड़ेगा, और जादू तो केवल राहुल जी और प्रियंका जी का है, लोकसभा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लोकसभा भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, देखिए अभी 3/4 बहुमत हमको दिया है विधानसभा में, हमारी कोशिश होगी कि सत हो छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री ह मीडिया ले चर्चा करत हुए बताईस कि ए दारी लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 सीट में कांग्रेस के जीत होए के बात कहीस, और साथे साथ राहुल गांधी द्वारा स्टार प्रचारक के रूप में यूपी भर न्योता दिए जाए के बात में कहीस कि जादू तो ए बार सिर्फ राहुल और प्रियंका जी के ही चलही। जांजगीर ले डिजिटल रिपोर्टर गजानंद यादव के रिपोर्ट।